हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपका हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है? आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, चीज़ आप ध्यान नहीं देना है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट हो जाती है। आपको आपके पार्टनर का नाम दोहराना है, उनका पिक इमेजिन करना है, उनको अगर कंप्लीट आप इमेजिन कर सकते तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उनके स्माइली फेस को इमेजिन करें, ठीक है? भले आप इस वक्त कितने भी नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव ही सोचना है अपने पार्टनर के बारे में, ठीक है? आपको कैंडल की लो की तरफ फोकस करना है। चाहो तो आप 30 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं हम क्या कुछ निकल के आता है। एकदम पॉजिटिव रहना है आपको, ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए। गाइड करें यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताएं इनके पार्टनर इस वक्त इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए मेरे व्यूअर्स के लिए। हमें ट्रू मैसेजेस दें। आपके पार्टनर को लग रहा है, सबसे पहले तो आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये इनको फील होता है। आप उनके डेस्टिनी में ही थे, ठीक है? और आपसे बिछड़ना, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपसे बिछड़ना एक कुछ साइकिल था, जो साइकिल मतलब भगवान ने ही लिखा था कुछ तो भी, इनको इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मतलब क्लियरली सैड एनर्जीज नज़र आ रही है। आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ना, इससे उनका बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बिगिनिंग करना चाहते हैं, और अभी भी उनका आपको कॉल मैसेज करने का दिल कर रहा है, लेकिन कैसे जुड़े, कैसे एक्शन ले, कैसे मतलब बस सोचते रहते हैं, ठीक है? बहुत दिल करता है इनका, स्टक है कम्प्लीट आपके यादों में, इनको समझ भी नहीं आ रहा है आपको शादी को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है? डेफिनेटली इनका आपको मतलब ये दिल से चाहते हैं आपको शादी का ऑफर करना, इस रिश्ते को बिगिनिंग करना, ठीक है? और जो भी कोई थर्ड पार्टी है ना, उस थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुके हैं। थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इनको बहुत डोमिनेट करती है, और उनसे वो अलग होने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे। यस, डेफिनेटली आपको पूरी दुनिया मानते हैं, आपको मतलब इनकी सारी खुशियां है सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है, और ये अभी लिटरली इनको फील होने लगा है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस वक्त आप उनकी लाइफ में नहीं हो। इसलिए जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप 24/7 इनके माइंड में रहते हो, ये अपने काम की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे इस वक्त भी, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपका सोशल मीडिया इस वक्त चेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? और डेफिनेटली थर्ड पार्टी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनके पीछे पीछे दौड़ रही है, ठीक है? थर्ड पार्टी इनको अपने लाइफ से कभी जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन ये उनसे अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है थर्ड पार्टी को छोड़ देना है, थर्ड पार्टी को आपका मतलब अपना फैसला, मतलब उनका जो फैसला है आपसे रिलेटेड, वो उनको सुना देना है और इस रिश्ते को स्टार्ट कर देना है, चाहे थर्ड पार्टी माने ना माने, हाँ बोले ना बोले। अब इन्होंने सोच लिया है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उनको मेरी मतलब खुशी की कोई परवाह नहीं है, अगर उनको मेरी सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो अब मुझे भी अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज बहुत ज़्यादा बन रही है, नेगेटिविटी, मतलब वो थर्ड पार्टी जो है ना, वो नेगेटिव टाइप की पर्सनैलिटी है। अगर ये उनको अपना फैसला सुनाने जाए, मतलब उनको ये भी लगता है कि अगर मैं उनके सामने ऐसा बोलने जाऊँ, आपके लिए स्टैंड लेने जाऊँ, बहुत ज़्यादा हिडन भी रखते हैं ये बात है, ठीक है? और थर्ड पार्टी के दिल में एक रहता है, जबान पर एक रहता है, इस तरह से भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? और ये आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, वो बोलते एक ही करते एक है, और इसी चीज़ से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? वो अगर उनसे बात भी करने जाए आपके बारे में, वो बोलेंगे कुछ एक और करेंगे कुछ एक, इस तरह से, और इसी चीज़ से आपके पार्टनर डरते हैं। उनको लगता है कि मतलब उनके इस बिहेवियर का क्या बोलते हैं, उनका मतलब जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर वो कुछ गलत सलत सोच लेंगे, गलत सलत बोल देंगे, अभी इनको कुछ और प्रॉमिस कर देंगे और उनका एक्शन कुछ और ले लेंगे, तो इसका गलत इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, ये इनको लग रहा है। और इसीलिए ना आपको मतलब इस वक्त भी इनका दिल करता है आपको मैसेज करने का, लेकिन वो फ़ोन को नीचे रख देते हैं, ठीक है? फ़ोन को हाथ में भी लेते हैं, टाइप भी करते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ
फिर से डिलीट करके वापस सोचने में लग जाते हैं। और इनका मतलब मैं बोलूँ ऑब्स्टकल यही है इनका कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते रहेंगे तो ये कैसे एक्शन लेंगे, इस तरह से है ना। मतलब अगर ये बिना सोचे समझे अगर एक्शन ले लेते हैं ना तो ये रिश्ता जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। ये रिश्ते को स्टार्ट करना इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के मतलब अगर ये स्टैंड जमा लेते हैं, अगर ये इतना कॉन्फिडेंस रख लेते हैं ना कि इस रिश्ते को कुछ भी करके स्टार्ट ही करना है, भले आप उनको मारो पीटो गालियाँ दो कुछ भी करो, मैं जाके एक बार एक्शन लेके तो देखता हूँ, बात करके तो देखता हूँ। अगर इस तरह से स्ट्रेस बढ़ा के एक्शन ले लेते हैं ना, ये रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा उसी वक्त, क्योंकि आप तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो। अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंटर होते हैं, आपको उनका बस मैसेज भी आ जाता है ना, आप हैप्पीली इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहोगे दिल से। लेकिन ये इनको नहीं लग रहा है, इनको लग रहा है कि आप उनको, जैसे कि मैं हमेशा रोज़ की रीडिंग में, आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो ठीक है, तो रोज़ की रीडिंग में भी यही निकल के आता है। आपके पार्टनर उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको खुद होकर वो अप्रोच करते हैं, आपको सॉरी वॉरी बोल देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, जो कि ये खुद इतने ईगोइस्टिक है तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप भी उनको ईगो दिखाओ। मतलब इनका ऐसा है कि ईगो सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा और ज़्यादा एटीट्यूड सिर्फ मैं ही दिखाऊंगा और बस तू ही मेरी बातें सुनेगी, मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगा। मतलब ज़्यादातर तुझे मेरी बातें सुननी है, 100 में से 80 बातें तू मेरी सुनेगी, 20 में तेरी सुनने की कोशिश करूँगा, इनका ऐसा है। तो इनको लगता है कि अगर ये आएंगे एक्शन लेंगे तो आप उनको ईगो बहुत ज़्यादा दिखाओगे और ऐसे दिखाओगे कि कुछ एहसान तो किया नहीं मेरे पास आके, इतने दिनों तक तो वेटिंग वेट करना पड़ा तेरा, अब आके क्या फ़ायदा, वैसे भी मैंने मेरी लाइफ में कोई और है और वो मुझे प्रपोज कर रहा है, अब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि मेरा तो वहाँ पे स्टार्ट भी हो गया है, इस तरह से। तो ये सब सुनने से वो बच रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस चीज़ में वो खुश है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ठीक है। उनका जो कॉन्फिडेंस था कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, भले वो आपको चीट करके भी चले जाए, लेकिन फिर भी आप उनको कभी भी नहीं छोड़ोगे, ये उनका जो कॉन्फिडेंस था ना वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उनको अभी लग रहा है, ऐसे फील होने लगा है कि उनको आपकी लाइफ में कोई और है और ये इसी चीज़ से बच रहे हैं कि अगर ये आए एक्शन ले और आप उनको बोलो, तो बोलोगे तो जो सुनने के बाद अपनी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हाइड करते हुए दिखाई दे रहे ठीक है, बहुत मतलब सुनने के बाद जो उनको बुरा लगेगा ना, तो वो जो लगेगा और जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग से वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं और वो फीलिंग वो नहीं चाहते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खुश रहना चाहते हैं कि जैसा है वैसा है, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हो ठीक है। ये थर्ड पार्टी के सामने डेफिनेटली स्टैंड लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दिल से चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना ठीक है। और होप ये स्ट्रेंथ बना ले, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ दिखाते ही नहीं है थर्ड पार्टी के सामने, ये सोचते भी ये बात करने की कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रहे हैं फीलिंग इस वक्त ठीक है। थर्ड पार्टी देखो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कैंडल के लोगों को देख सकते हो कितनी भड़क रही है ठीक है। ये शायद इसीलिए आपको अप्रोच करना चाहेंगे और जैसे कि मैंने बोला ये आपको आपके पास आना चाहते हैं, ये सारे ना पास की आपकी बातें हैं ना वो आप अपने आँखों के सामने इमेजिन करते हैं, आपका टच, आपके पास आना, आपका हाथ हाथों में लेना, आपको मतलब ये लिटरली मैं बोलूँ तो ये आपको हक करके किस विस करना चाहते हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है ठीक है। और इस वक्त मतलब इसीलिए ना मैं आपको बोलूँ इनका आपको ना डेफिनेटली एक्शन, कम से कम मैसेज तो रिसीव हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है इस रिश्ते को स्टार्ट करना, नहीं तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और ये इतना अच्छा रिश्ता जो है वो अभी मतलब डेड हो चुका है, मर चुका है, जो कि ये कभी भी नहीं चाहते ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, तकलीफ होगी इनके सीने में, जैसे कि जलन हो जाएगी बहुत, अगर ये रिश्ता जैसे कि रोज ही जलते हैं ठीक है, रोज ही है आपकी यादों में स्टक रहते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं, लेकिन वो जलन ये हर रोज़ महसूस नहीं करना चाहते ज़िंदगी भर ठीक है। उनको इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, इस रिश्ते को कभी भी खोना नहीं चाहते हैं, ये डर रहे हैं इस रिश्ते को खोने से और यही डर इनके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब ये डर आएगा तभी तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे ठीक है। तो यस डेफिनेटली अपने एक्शन के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ठीक है। या आपको आप इनका कम्युनिकेशन आप मतलब मैं ये कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको टाइम पीरियड नहीं दूंगी, बस इतना ही बोलूँगी बहुत जल्दी आपको इनका एक्शन आ जाएगा, कॉल मैसेज आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रांगली साइन बता देती हूँ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरिज लियो सैजिटेरियस है ठीक है, लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है सबके लिए है। यहाँ पे सी बना है, सी है, एम है, डब्ल्यू है, जेड है, एस टी वी है, यहाँ पे आई है, एल है यहाँ पे ठीक है, वन है,
एट तो रोज ही आता है हमारा, सेवन है यहाँ पे, थ्री है, ठीक है। और यस, या आपके आपके पार्टनर के बर्थडे पे नंबर्स हो सकते हैं, आपके आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, और सबके तो यहाँ पे नंबर्स और इनिशियल्स नहीं आ सकते, लेकिन आपको ये याद रखना है सबके लिए रीडिंग होती है। तो अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा सोचते होंगे, तो यस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसकी भी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले किसकी रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।